नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो रियलमी ने कुछ दिन पहले ही अपने न्यू ये जो TWS ईयरबड्स है इनको लॉन्च कर दिया और अमेजोन पे इस वक्त ये जो है 1799 रुपीज के आसपास मिल रहे हैं। और मैं इनको पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ और मैंने इनको अच्छे से टेस्ट कर लिया और आपके साथ में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ ताकि आप लोग डिसाइड कर सको कि ये खरीदने लायक है भी या नहीं। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर से देखना, पसंद आए तो लाइक जरूर से करना, शेयर जरूर से करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है बॉक्स Realme Buds Air 3S का और ये दो कलर वेरिएंट में अवेलेबल है, व्हाइट और ब्लैक। और ये वाला व्हाइट है और दोनों साइड बॉक्स पे देखिए काफी सारे फीचर्स के बारे में लिखा है जो कि इस वीडियो में मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। और पीछे की साइड में यहाँ पर प्राइस लिखी है 49999, मगर इतने महंगे नहीं है ये, 1700-1800 में ऑनलाइन मिल जाते। तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर इसको अनबॉक्स कर लेते फटाफट और देखते हैं अंदर कैसे रखे हुए ईयरबड्स को। और कुछ इस तरह से देखिए अंदर पैकेजिंग आपको मिलेगी और यहाँ पर ईयरबड्स रखे हुए, इनको मैं साइड में रख लेता हूँ। और पीछे की साइड में कुछ पेपर वर्क है और ये देखिए टाइप सी टू टाइप एक केबल मिल जाती है इसके अंदर फास्ट चार्जिंग के लिए। और यहाँ पर देखिए ये दो एक्स्ट्रा साइज़ की सिलिकॉन ईयर टिप्स मिल जाती है जिनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लग रही है। और यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल है, इसको साइड में रखते हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक रैपिंग वगैरह यूज़ की गई है, इसको एकदम प्रीमियम जो है पैकेजिंग की गई है, मगर प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है यहाँ पर रियलमी ने। देखो एक और यहाँ पर इसको भी निकाल लेते हैं। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो डेयर टू लीप लिखा है, रियलमी भी लिखा है और क्लियर केस है वाइट कलर में। और ये थोड़ा नथिंग ईयरफोन्स जैसा लुक मिल रहा है। पीछे की साइड में जो है टाइप सी केबल मिल जाती है और आगे की साइड जो बटन है उसको अगर आप प्रेस करके रखोगे तो फिर ये पेयरिंग मोड में चले जाते हैं। और अगर इसकी चार्जिंग की बात करें तो टाइप सी केबल से आप चार्ज करते हो उसको तो टोटल फुल चार्ज करने में इसको 2 घंटे लग जाते हैं और 30 घंटे का बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको मिलता है। और कॉलिंग वाला जो है आपको 14-15 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। और यहाँ पर इसमें फास्ट चार्जिंग भी है, इसको डार्क चार्ज बोलते हैं। और अगर आप 10 मिनट इसको चार्ज लगाओगे तो 5 घंटे का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा इसके अंदर। और इंडिविजुअल ईयरफोन्स की जो है बैटरी लाइफ 6-7 घंटे तक चल जाती है तो काफ़ी अच्छे से आप मूवीज़ वगैरह पूरी कंप्लीट कर सकते हो। और इन ईयरबड्स को इस केस के अंदर चार्ज होने में करीब करीब 1 घंटा लग जाता है। और डिज़ाइन की बात करें तो ये जो वाइट कलर है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है इन पे और जो ढक्कन है एकदम ट्रांसपेरेंट दिया गया है जिससे और भी अच्छा लुक इसका आता है। मगर इस वाइट कलर को थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि इस पे स्क्रैचेस भी आसानी से दिखेंगे और गंदा भी जल्दी हो जाता है। और यही चीज़ अगर ब्लैक कलर में आप देखोगे तो स्क्रैचेस और उस पर भी आएंगे, गंदा भी होगा मगर दिखेगा नहीं इतना आसानी से। और यहाँ पर इनको कनेक्ट और पेयर कैसे करना है वो भी आसान है, ब्लूटूथ जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये सर्च आ रहा है ब्लूटूथ के अंदर और इसका जैसे ही मैं ढक्कन खोलूँगा यहाँ पे आपको Realme Buds Air 3S दिख जाएंगे। ये देखिए आगे कुछ इस तरह आते, कोई भी एनिमेशन वगैरह नहीं है जैसे एयरपॉड्स में होता है एप्पल के, तो बस सिंपल फोटो आ जाती है यहाँ पर। और इनको मैं पेयर कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएंगे। और इनका एक ऐप भी है, Realme का प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है Realme Link, उसको आप इंस्टॉल कर लोगे तो इसके अंदर जो है और भी फीचर्स वगैरह उसको आप लोग टेस्ट कर पाओगे। वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें फीचर्स और सेटिंग्स मिलती है। तो यहाँ पर ये बैटरी परसेंटेज बता रहा है, जैसे केस की 60% है और दोनों ईयरफोन्स की 100% है। और यहाँ पर आप साउंड इफेक्ट्स भी चेंज कर सकते हो, आपको कैसी चाहिए, ओरिजिनल साउंड चाहिए, सेरेनेड, ये पता नहीं क्या होता है, प्योर बास, डीप बास, इस तरह से जो है आप लोग चेंज कर सकते हो। और सब में अलग अलग जो है डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है म्यूज़िक का। और यहाँ पर वॉल्यूम एनहेंसर भी और गेम मोड आपको मिलता है, गेम मोड आप डायरेक्टली भी ऑन कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे। और ज़्यादातर मैं गेम मोड में ही इसको यूज़ करता हूँ लो लेटेंसी के लिए। और यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखते तो एकदम सही से आवाज़ चलती है, सिंक्रोनाइज हो जाती है वीडियो के साथ, तो गेम मोड में ही ऑन रखना पड़ता है इसको। और यहाँ पर देखिए डबल डिवाइस कनेक्शन भी है जिससे आप 2 डिवाइसेस में आराम से इसको कनेक्ट करके सीमलेसली यूज़ कर पाओगे, आपके 2 फ़ोन में या लैपटॉप फ़ोन जैसे भी आपको यूज़ करना है। और यहाँ पर बटन सेटिंग्स आप कर सकते हो कस्टमाइज। और इनका जो टच स्क्रीन है उनका भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स कुछ इस तरह की है, डबल टैप से प्ले पॉज होता है और ट्रिपल टैप से आप लोग जो है ट्रैक चेंज कर सकते हो, आगे जाना है या पीछे वाले ट्रैक पे जाना है राइट और लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में आप टच करके रखोगे तो जो है वॉल्यूम अप हो जाएगी और लेफ्ट साइड में डाउन हो जाएगी। दोनों ईयरबड्स को टच एंड होल्ड करके रखोगे तो जो है आपका गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा। और डबल टैप से आप कॉल उठा सकते हो और प्रेस करके रखोगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे कान की जो डिज़ाइन है अंदर से और ये ईयरफोन्स की डिज़ाइन है एकदम मैच हो गई और फिटिंग काफ़ी सही हो गई है इसके अंदर। और डिपेंड करता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के कानों का शेप काफ़ी अलग सा होता है और काफ़ी सारे ईयरफोन उनके फिट नहीं होते, मगर मेरे कानों में ज़्यादातर सारे ईयरफोन फिट हो जाते हैं और काफ़ी सही यहाँ पर देखिए फिट लग रहा है। और अब मैं आपको इसका कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसा है वो बता देता हूँ, फिर आगे म्यूज़िक एक्सपीरियंस की बात करेंगे। हेलो, हाँ भाई, नए ईयरफोन्स टेस्ट कर रहा था तो आवाज़ की क्वालिटी कैसी आ रही है वो ज़रा बताना मुझे। अच्छा रुक, 1 मिनट होल्ड कर, तो आप लोग यहीं पे रुको, मैं बाहर जाके टेस्ट करके आता हूँ आउटडोर कंडीशन में कैसी कॉलिंग वगैरह आती है और देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ आया,
तो यहाँ पर ओवरऑल कॉलिंग एक्सपीरियंस इंडोर कंडीशंस में तो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी आवाज़ इसके अंदर आती है और सामने वाले पर्सन को भी काफ़ी क्लियरली आपकी आवाज़ सुनाई देगी। और आउटडोर कंडीशन में भी यहाँ पर जो है इसके अंदर ENC आपको मिलता है और चार माइक्रोफोन भी मिलते हैं बाहर की साइड में, तो वो भी काफ़ी अच्छे से काम कर लेते हैं। इतना ज़्यादा नॉइस कैंसिलेशन भी नहीं है, मगर नॉइस कैंसिलेशन थोड़ा बहुत इसमें होता है और काफ़ी अच्छे से आप जो है क्लियरली आवाज़ सुन पाओगे जिससे भी बात कर रहे हो उनसे। तो कॉलिंग एक्सपीरियंस में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और अब जो है म्यूज़िक एक्सपीरियंस की भी बात कर लेते हैं। और इसके अंदर जो 11mm के आपको ड्राइवर मिलते हैं, काफ़ी अच्छी साइज़ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा फैंसी रखा है रियलमी ने, 11mm लिक्विड सिलिकॉन ट्रिपल टाइटेनियम बास ड्राइवर, तो इतना खतरनाक इसका नाम है। और यहाँ पर म्यूज़िक की बात करूँ तो म्यूज़िक क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई इसकी और काफ़ी ज़्यादा क्लियर आपको सुनाई देते सारे इंस्ट्रूमेंट्स और जो भी वोकल्स होते हैं म्यूज़िक के अंदर वो भी काफ़ी बढ़िया से सुनाई देते। अलग अलग टाइप के मैंने इसके अंदर म्यूज़िक सुन के देखे और सभी में जो है काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस लगा मुझे। और आप लोग जो है इसमें इक्वलाइजेशन भी कर सकते हो इसके ऐप के अंदर जाके आपके टेस्ट के हिसाब से, और डॉल्बी एटमॉस का भी इसमें सपोर्ट है, वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है इस प्राइस रेंज के अंदर। और इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलता है जिससे कि जो है काफ़ी अच्छी 10 मीटर की आपको रेंज मिल जाती है और कनेक्शन वगैरह भी काफ़ी फास्ट होता है। मगर जब भी दीवार वगैरह बीच में आती है, कहीं पे बाहर जाते हो आपके डिवाइस से दूर जाते हो, तो थोड़े कनेक्शन इशू वगैरह इसमें होते हैं। और इनके अंदर आपको IPX5 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी आपको मिल जाती है। और यहाँ पर ईयरबड्स की जो डिज़ाइन है काफ़ी छोटे से और ये जो वाइट और ग्रे कलर है काफ़ी बढ़िया सा लगता है और इनकी ग्रिप भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी कानों के अंदर और कंफर्टेबल भी है पहनने के लिए। दोस्तों ओवरऑल इन ईयरफोन्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और इस प्राइस रेंज के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा तगड़े इसमें फीचर्स वगैरह मिल रहे हैं और इनकी डिज़ाइन और लुक्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे है ही। तो आपको कैसे लगे ये ईयरफोन्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। अगर आपको ये ईयरफोन बाय करने तो इनके लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों मेरा नाम है तरुण, ये है गैजेट मसाला, जय श्री कृष्णा।